सौभाग्य किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। यह हलवा इतना सॉफ्ट और टेस्टी बनता है कि हर किसी को पसंद आता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वह है, एक कटोरी सूजी लिए मैंने यहाँ पे, उसी के बराबर शक्कर ली है एक कटोरी, काजू और बादाम के कुछ टुकड़े लिए है, 3 चम्मच घी लिया है, नारियल का थोड़ा सा बूरा लिया है, किशमिश लिए थोड़े और इलायची पाउडर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है। सबसे पहले हम डालेंगे घी। देखिए हम घी को मेल्ट होने देंगे। देखिए घी मेल्ट हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी को अच्छे से भुनेंगे। गैस की आंच को कम ही रखेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। देखिए सूजी हमारी अच्छे से हो चुकी है। कलर भी देखिए चेंज हो चुका है, गोल्डन कलर हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे पानी। पानी को देखिए मैंने गर्म कर लिया। यहाँ पे जितनी सूजी ली हमने उसे 3 गुना हम पानी ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। देखिए सूजी ने पूरा पानी सोख लिया है। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। शक्कर अच्छे से मेल्ट होनी चाहिए। इसमें हम डालेंगे काजू और बादाम, किशमिश और थोड़ा सा नारियल का बूरा, बाकी सजावट के लिए रखेंगे, और इलायची पाउडर। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। शक्कर इसमें अच्छे से मिल जानी चाहिए। के लिए इसे हम पकने देंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। हलवा हमारा देखिए बन चुका है। साइड से देखिए घी छूटने लगा है। अभी हम गैस को बंद करेंगे और इसे कटोरे में निकालेंगे। देखिए हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना है। अगर आपको इसे बनाने में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।